हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन डिस्कस करना शुरू किया था। तो पीसीटी और लूप ऑफ हेलने तक हम आ गए थे। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन आपको पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बहुत सारी चीज़ों को फिर से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा के रीजन में रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है ना। तो जीएफ से बहुत सारी चीज़ें ब्लड में फिर से रीअब्सॉर्ब होती हैं। किस ब्लड में? जो ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेलने में मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है और इसमें सिर्फ एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी लिख रही है कि असेंडिंग लिंब में मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन है, लेकिन ओवरऑल भी लूप ऑफ हेलने में मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन है चीज़ों का। और जो असेंडिंग लिंब है उसका मेन काम ये एनसीईआरटी बता रही है एक क्या करना, मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलिटी को बढ़ाना, सॉल्ट को भेज भेज के एनएससीएल को बार बार भेज कर मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वहाँ पे ऑस्मोलिटी को इंक्रीज कराना। तो 300 कॉर्टेक्स में रहता है, मेड्यूला में आते आते, डीप मेड्यूला में आते आते वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। तो असेंडिंग लिंब ऐसा सॉल्ट को भेज भेज के एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से ऐसा होता है। तो असेंडिंग लिंब से अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बिना एनर्जी के ही सॉल्ट चले जाएंगे कहाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो असेंडिंग लिंब एक्टिवली और यू कैन से पैसिवली इंक्रीजेज द ऑस्मोलरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्टिवली और पैसिवली असेंडिंग लिंब क्या करता है, ऑस्मोलिटी बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब शुरू करते हैं डीसीटी से, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो डीसीटी में क्या होता है बच्चों? डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है। डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। कंडीशनल का मतलब क्या है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन को हम फैकल्टेटिव भी बोलते हैं, फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन। तो वाटर का यहाँ पे जो रीअब्सॉर्प्शन होगा उसको फैकल्टेटिव। पीसीटी में भी आप याद रख सकते हो, पीसीटी में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है पीसीटी में उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, दैट इज ऑब्लिगेट इन पीसीटी ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, क्लियर। तो पीसीटी में ऑब्लिगेटरी, यहाँ पे कंडीशनल या फैकल्टेटिव, कंडीशनल या फैकल्टेटिव होता है कहाँ पे, फैकल्टेटिव या कंडीशनल होता है कहाँ, डीसीटी में। पीसीटी में होगा ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, क्लियर। अब कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि मान लो अगर बॉडी में, हमारे बॉडी में वाटर की कमी है तो क्या होगा, तब डीसीटी से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराया जाता है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराने का। ये मतलब हुआ कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन का। और कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन अकर्स, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन अकर्स व्हेन वी हैव scarcity of water inside
आवर बॉडी। ओके, तो कंडीशन रिएक्शन कब होगा? जब हमारे पास स्कार्सिटी होगी वाटर की हमारे बॉडी में। तीसरा पॉइंट, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अकर्स अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन ADH। तो ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इस हार्मोन के वजह से क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके कारण क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। इस हार्मोन के एक्शन के कारण ही कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो पाता है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो ADH इज व्हाट? ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। ADH क्या है? ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये ध्यान रखना आपको। ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ये एंटी डायरेटिक, डायरेटिक का मतलब क्या, एक प्रोसेस, एक चीज होती है डायरेसिस, इसको आप समझो पहले। व्हाट इज डायरेसिस? यहां पे मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज डायरेसिस? डायरेसिस का मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब यूरिन हमारे बॉडी में बहुत बने और उसमें वाटर ज्यादा हो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेसिस। मतलब हमें बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़े, तो दैट इज डायरेसिस। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इस डायरेसिस में क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन इज पास आउट। तो डाइल्यूट यूरिन पास आउट होता है। अब ADH इज व्हाट? ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब ये डायरेसिस जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट काम करेगा, मतलब वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, जिससे कि कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट हो। क्लियर? तो ये काम है ADH का, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ADH क्या करता है, ADH का फंक्शन आप याद रखना, कहां तक दिख रहा है आपको, ADH का फंक्शन आप याद रखना, ADH ADH increases the permeability of BCT and collecting duct, to reabsorb water। तो ADH की वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होने लगेगा कहाँ से, DCT से एंड कलेक्टिंग डक्ट से। अब वाटर अगर रीअब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन में वाटर कम होगा, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन इज रीअब्जॉर्ब वाटर एंड कंसंट्रेटेड यूरिन इज पास्ड आउट। तो कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर भेजा जाएगा। ADH इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, परमिएबिलिटी ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट किसके लिए, वाटर के लिए परमिएबिलिटी बढ़ाता है। ADH इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर, कलेक्टिंग डक्ट फॉर वाटर, इस तरह से लिख लो, फॉर वाटर एंड रीअब्सॉर्ब वाटर
एंड ए कंसंट्रेटेड यूरिन इज पास्ड आउट. इट इज इंक्रीजेस द परमिटिविटी ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट फॉर वाटर एंड रीअब्सॉर्ब वाटर इस तरह से लिख लो, रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दैट लीड्स टू पास आउट ए कंसंट्रेटेड यूरिन. पास आउट होगा कहाँ से? बॉडी से. और एडीएच की कमी से क्या होता है? तो एक चीज याद रखना, एक डिजीज है दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरी डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस. इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, डायबिटीज मेलाइटस में एंड डायबिटीज इंसिपिडस में. क्लियर? तो डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस, तो इसको आप नोट कर लो. फिर मैं दोनों डिजीज को डिस्कस करता हूँ क्या है दोनों में. तो इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, इन सारे पार्ट को. तो देखो, दो इससे मिलता जुलता डिजीज आपको दिखता है, एक ही जैसे हैं. डायबिटीज एक है, डायबिटीज मेलाइटस, और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस तो डायबिटीज मेलाइटस होता है ड्यू टू हाइपो और लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. इसके कम सिक्रीशन से, किसके? इंसुलिन के कम सिक्रीशन से क्या होगा? ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन. इस तरह से हाइपो सिक्रीशन एक ही साथ लिख देता हूं मैं, हाइपो सिक्रीशन ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन और लेस सिक्रीशन. हाइपो मतलब लेस. डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन ऑफ एडीएच. एडीएच का दूसरा नाम होता है बच्चों वैसोप्रेसिन. तो वैसोप्रेसिन या एडीएच की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज मेलाइटस ड्यू टू लेस और हाइपो सिक्रीशन ऑफ व्हाट? डायबिटीज ड्यू टू इंसुलिन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के कम सिक्रीट होने से क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस. और कम सिक्रीशन होने से वैसोप्रेसिन या एडीएच के होगा डायबिटीज इंसिपिडस. एम फॉर मेलाइटस, एम से याद रखना मीठा, ठीक है ना? तो मीठा, तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज इन यूरिन. इसमें ग्लूकोज आने लगता है, ग्लूकोज इन यूरिन इसमें प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया. ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोस्यूरिया. ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं, दैट इज ग्लूकोज इन यूरिन. यहाँ पे ग्लूकोज इज एबसेंट, ग्लूकोज इज एबसेंट. यहाँ पे एक टेस्टलेस यूरिन होगा, टेस्टलेस यूरिन. और यहाँ पे ग्लूकोज है तो इसलिए एक मीठा यूरिन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. जो इस तरह के पर्सन होते हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस होता है, वो यूरिन जहाँ डिस्चार्ज करेंगे वहाँ पे चीटियाँ आ जाती हैं बच्चों. तो ग्लूकोज इन यूरिन, इसी को ग्लाइकोस यूरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना?
फिर डायबिटीज मेटाइटिस में कीटोन्यूरिया भी आपको मिलेगा। कीटोन्यूरिया मीन्स कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो कीटोन बॉडीज भी यूरिन में आने लगती हैं। कीटोन बॉडीज कब बनती हैं? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ फैट के ब्रेक डाउन होने से बनती हैं कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पे अब पर्सन कार्बोहाइड्रेट ले रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, वो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन के हेल्प से क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्टेड होता है ग्लाइकोजन में, जिससे एनर्जी मिलती है इंसुलिन के हेल्प से। अब इंसुलिन काम कर ही नहीं रहा, तो ये प्रोसेस हो ही नहीं रहा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा, यानी अब बॉडी में ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। ठीक है, अब क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो नहीं रहा, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। पर्सन खाता है लेकिन उस खाने से उसको एनर्जी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो ही नहीं पा रहा। फिर यहाँ पे 3 P सिम्टम मिलते हैं, 3 P सिम्टम, पोली यूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। पोली यूरिया मतलब बहुत बार यूरिनेशन, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज पोली यूरिया, बार बार जाएगा। पोलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, और पोलीफेजिया फ्रीक्वेंट ईटिंग, बार बार भूख लगेगा उस पर्सन को। यहाँ पे 2P सिम्टम होता है। 2P कौन कौन? तो पोली यूरिया एंड पोलीडिप्सिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आ सकता है, तो ये याद रखना है आपको। ये डिफरेंस है डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में। क्लियर? तो इसको रख कर लो, सॉरी इसको नोट कर लो, मैं रब करता हूँ, तो इसको आप नोट कर लेना। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कलेक्टिंग डक्ट पे, नेक्स्ट मूव करेंगे कलेक्टिंग डक्ट पे। ये जो डक्ट है कलेक्टिंग डक्ट, ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ? लॉन्ग डक्ट है, कॉर्टेक्स से लेकर इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला। कॉर्टेक्स से एनसीईआरटी लिख रही है, कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला को जाएगा, और यहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेट यूरिन पास आउट करानी है, पानी की कमी है बॉडी में, तो यहाँ से बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कराया जा सकता है, और हम लोग कराते भी हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की हेल्प से, जिससे कि एक कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट हो पाए। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब करा सकते हैं आप, कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से। क्लियर? तो नेक्स्ट इसको रब करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, आते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। तो कलेक्टिंग डक्ट दोनों में, कॉर्टेक्स में भी और मेड्यूला में भी प्रेजेंट होता है। लार्जर जो पार्ट है वो मेड्यूला में है। तो इट इज ए लॉन्ग डक्ट, इट इज ए लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू डीप मेड्यूला, डीप मेड्यूला। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी, मतलब किया जा सकता है, कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम
कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, टू पास आउट कंसंट्रेटेड यूरिन। क्लियर? फिर इस तरह से मान लो यहां तक कॉर्टेक्स है, ये इसके बाद मेड्यूला शुरू हो गया, यही कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से यूरिया भी निकलता है बाहर, ये यूरिया के लिए परमिएबल है, यहां तो वाटर आएगा ही, इस तरह से वाटर, यहां से वाटर आप दिखा सकते हो, लोअर पार्ट में यूरिया भी निकलेगा और ये यूरिया यहां इंटर कर जाता है, कहां, इसमें जो थिन सेगमेंट होता है, किसका, थिन सेगमेंट, याद रखना डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में थिन और थिक सेगमेंट है, तो हमेशा याद रखना थिन सेगमेंट जो है किसका, थिन सेगमेंट जो है असेंडिंग लिम्ब का, यहां पे ये इंटर कर जाएगा, ऐसे होता है थिन और यहाँ पे इस तरह से थिक लिया हुआ है, ऐसे ध्यान रखो इस तरह से, तो थिन जो सेगमेंट है, ये थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट, कभी क्वेश्चन आ सकता है थिन सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब में ये यूरिया फिर से इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो यूरिया, तो थिन जो कलेक्टिंग डक्ट का लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट है, वहां से वो यूरिया के लिए भी परमिएबल है, तो इस तरह से याद रखना लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू यूरिया और अलाउ करता है ये पैसेज ऑफ यूरिया टू मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम, जो स्पेस है वही मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम है, जिसमें मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम का मतलब वो जो स्पेस जिसमें मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यूरिया टू मेडुलरी इंटरस्टीशियम स्पेस इन विच मेडुलरी इंटरस्टीशियल फ्लूइड इज प्रेजेंट, मेडुलरी इंटरस्टीशियम टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, तो ऑस्मोलैरिटी इसीलिए बढ़ जाती है। तो आप नीचे देखोगे कॉर्टेक्स में 300 है, यहाँ भी 300 होगा, फिर 600, फिर 900, यहाँ पे आप देखोगे डीप मेडुला में 1200 ऑस्मोलैरिटी है, किस वजह से, बहुत ज़्यादा यूरिया की वजह से, तो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से भी बाहर निकलेगा और ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएगा। क्लियर? ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता है। इतना समझ में आ गया आपको? तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन अपना कंप्लीट हो गया, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन अब अपन करते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो नेक्स्ट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑलवेज अकर
ऑलवेज अकर्स एक्टिवली, हमेशा एक्टिवली होता है, ये याद रखना है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑलवेज अकर एक्टिवली। इट इज ए प्रोसेस इन विच ब्लड पोर्स अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इनका एब्जॉर्प्शन भी होता है यूरिया यूरिक एसिड का, इनको फिर से डाला भी जाता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटासियम आयन, H+, अमोनिया, K+, H+, अमोनिया इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड पोर करता अनवांटेड और ये कैन से हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, K+, H+, अमोनिया इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर? फिल्ट्रेट। फिर यूरिक एसिड है, कुछ ड्रग्स भी हैं, ड्रग्स को, इन सब को, ठीक है ना। तो जब पोर करेगा तो उसी को बोलते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन किस रीजन पे किस चीज का होना है, तो पीसीटी में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है आपको, तो याद रखना है K+, H+ एंड अमोनिया, एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी। और अगर आपको याद रखना है अदर, तो हिप्यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, ड्रग्स, मेटाबोलाइज होने के बाद जो ड्रग्स बचता है वो ड्रग्स, इन सब को। अब आपने बोला क्रिएटिनिन का कहीं नाम नहीं लिख रहा है आप, तो देखो क्या होता है, तीन तरह के सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में मिलते हैं, तीन तरह के सब्सटेंसेस, कुछ टोटली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तीन तरह के सब्सटेंसेस आपको जीएफ में मिलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, यहीं पे लिखता हूं मैं, थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये दिख रहा है आपको, थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फर्स्ट इज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस विच आर completely reabsorbed मतलब मुझे रीअब्जॉर्प्शन में ही बताना था, मतलब ये समझो क्रिएटिनिन जो है कहीं भी मैंने आपको एब्जॉर्प्शन में नहीं लिखवाया है क्रिएटिनिन, इस कारण मुझे अभी याद है तो मैं बता रहा हूँ आपको, नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ऐसे आप जान सकते हो। तो क्रिएटिनिन जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता। तो तीन तरह के सब्सटेंसेस हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, हाईली थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस विच आर कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब, जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स हैं, ये सारा कुछ। फिर दूसरा है लो थ्रेशोल्ड
सब्सटेंसेस। लो थ्रेशोल्ड मीन सब्सटेंसेस विच आर रीएब्सॉर्ब इन स्मॉल अमाउंट, जैसे यूरिया, ठीक है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब थर्ड है नॉन और जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, नो रीएब्जॉर्प्शन, इनका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। नॉन थ्रेशोल्ड का मैं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, नॉन थ्रेशोल्ड का एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, नॉन या जीरो थ्रेशोल्ड का याद रखना है आपको। एग्जांपल क्रिएटिनिन एंड दूसरा है क्या बोलते हैं सल्फेट आयन। तो क्रिएटिनिन और सल्फेट जो है ये नॉन थ्रेशोल्ड होते हैं, इनका कुछ भी रीएब्जॉर्प्शन इनका नहीं होता। क्लियर, तो ये भी आप नोट कर लेना। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपको याद रखना है पीसीटी में ये सब का होगा। और पीसीटी क्या करता है, इन सब का पोटासियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, इन सब को सिक्रीट कराकर, मतलब इन सब को सिक्रीट कराकर जीएफ में, बेसिकली ब्लड से आएगा कहाँ, पीसीटी में, ब्लड से पीसीटी में आएगा, ठीक है ना। तो पीसीटी के ही सेल्स जनरली ये कराते हैं सिक्रीशन। तो पहले ब्लड से आ जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, वहाँ पे पीसीटी के सेल उनको ले लेते हैं, के प्लस को, एच प्लस को, एन एच थ्री को, फिर उसको ल्यूमेन में डाल देते हैं जहाँ पे पैसेज है। तो इस तरह से पीसीटी पीएच एंड आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन कर पाता है, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखो एच प्लस के रिलीज होने से पीसीटी क्या कर रहा है, एक तो रिलीज होने से क्या हो रहा है कि एक तो